brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. यूपी में सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है, दो चरणों का मतदान भी हो गया है। ऐसे में फिर भी दो सीटें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीटें बनी हुई हैं, जिनकी चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज हैं और जिनको लेकर कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बरकरार है। वो सीटें हैं कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली और पिछली बार जहां से कांग्रेस का किला ढा दिया गया था, यानी कि अमेठी। इन दो सीटों को लेकर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि यहां से गांधी परिवार से प्रियंका और राहुल को ही मैदान में उतारा जाए, लेकिन अभी भी इन सीटों पर क्या होने वाला है किसी को कुछ भी नहीं मालूम। हालांकि उत्तर प्रदेश की इन सीटों की सियासत अब बिहार तक जा पहुंची है। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेठी रायबरेली से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ अपने संसाधन से चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। 5 लाख से अधिक मतों से उनकी विराट विजय सुनिश्चित है। इस रावण राज के विनाश में मैं गिलहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाऊंगा। यानी यूपी की सियासत बिहार में दस्तक दे चुकी है। पप्पू यादव को ये तक कहने में गुरेज नहीं है कि वो एक गिलहरी की भूमिका निभाएंगे। अब देखना होगा कि क्या पप्पू की ख्वाहिश राहुल प्रियंका पूरी करेंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।